उनके नाम का पहला अक्षर चुनिए, उनके दिल में क्या चल रहा है अभी आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने कैरियर में नई सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। हमारी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए वो सब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं A to Z। तो आपके पार्टनर का जो भी नाम का स्टार्टिंग अक्षर है उसे आपको चुन लेना है। अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन में जो सवाल हैं उनके लिए, आप जो उनकी फीलिंग जानना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए एक पायल चूज़ कर लीजिए। दो पायल हैं तो जो भी आपसे मैच कर रहा है उसे आप चुन लीजिए। और देख लेते हैं आपके पार्टनर के मन में, पार्टनर है, फ्रेंड है, जिसके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए हम जो भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो आप तक पहुंच सकें। पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी चुना है उसके लिए आपको बता दें कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, वो आपको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने आपको लगातार चीट किया है, कई बार आपसे झूठ बोला है। जी हाँ, उन्हें अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है दोस्तों कि वो आपको हमेशा चीट करते रहे, जबकि आपने सच्चे दिल से उनसे रिश्ता बनाया, बिना कोई उनसे उम्मीद लगाए हुए आप दिल से उन्हें चाहते रहे और हमेशा यही उनके लिए दुआ की है कि वो खुश रहें, बस आपसे बात करें। जो भावना आपकी रहती थी उनके लिए, उसमें कोई लालच, कोई दिखावा नहीं था, पर लगातार वो आपको धोखा दे रहे थे, झूठ बोलते थे। कई बार उन्होंने आपको, आपकी फीलिंग की कद्र नहीं की, कभी उन्होंने दिल से ये नहीं सोचा कि आप उन्हें कितना ज़्यादा चाहते हो दिल से। वो हमेशा ही झूठ बोलते रहे, उन्हें जो लगा अच्छा वैसा किया, उनका मन नहीं है तो आपसे बात नहीं करेंगे, उनका मन नहीं है तो आपको जवाब नहीं देंगे, आप उन्हें फ़ोन करेंगे पर वो रिप्लाई भी देना ज़रूरी नहीं समझते थे। अभी आपको बता दें कि जो भी वो जिस किसी के कंट्रोल में थे, जो जंजीरें उन्हें जकड़े हुए थीं, वो सब बंधन उन्होंने तोड़ दिए हैं। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, और अब उन्हें एहसास हो गया है कि वो क्या छोड़ रहे थे, क्या मिस कर रहे थे इतने दिनों से। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी तरह हो, जो आपके बराबर उन्हें प्यार दे सके, ऐसा कोई नहीं। उन्हें एहसास हो गया है, कहते हैं ना, जिसे दिल से चाहो, आपने जो दिल से उन्हें चाहा और जितना प्यार आपने उन्हें दिया, उतना इस दुनिया में उन्हें कोई और नहीं दे पा रहा है। अब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आपके बिना वो कितने अधूरे हैं, उनके जीवन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। भले ही उन्होंने कभी कद्र नहीं की, पर अब जब आप दूर हो गए उनसे, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा वो धोखा कर रहे थे आपके साथ। अब फ्रेंड्स, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो आपको फ़ोन कैसे लगाएं। दिल ही दिल में बहुत पछतावा है उन्हें, लेकिन एक ईगो बीच में आ जाता है कि वो आपको कैसे कहें ये बात कि वो अभी तक जो गलती कर रहे थे, अब उस पर उन्हें पछतावा हो रहा है। अब वो आपसे ये बात कह भी नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपसे ये बात कह भी नहीं पा रहे हैं कि अब वो क्या करें, कैसे कहें आपसे, कैसे सॉरी बोलें, कैसे सॉरी आपके सामने आकर बोलें, कैसे आपको फ़ोन लगाएं, और ये सारी बातें आपसे कैसे कहें। उनके दिल में हैं ये बातें। हो सकता है वो बहुत जल्द आपको मैरिज का प्रपोज़ल देने वाले हैं,
जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, अब उन्हें उन सारी बातों का पछतावा है, पर अब वो उन्हें सुधारना चाहते हैं। अब वो सारी की सारी जंजीरें तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अब आपको अपना लें, सारे बंधनों को तोड़कर वो आपके पास आ जाएं। वो कहते हैं ना कि सोने का पिंजरा भी हो फिर भी पिंजरा पिंजरा ही होता है। तो जिस किसी ने भी उन्हें थर्ड पार्टी, वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, उन्हें बहुत सारे बंधनों में बांध रखा था कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको अपने पहले जिम्मेदारियां निभानी हैं, तो अब इन चीज़ों से उबर कर आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके सामने प्रपोज़ल रखें, आपको बताएं वो सारी बातें, आपको अपनी ज़िंदगी में ले आएं, आपको अब वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो। भले ही अभी तक वो झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे, कई बार उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपकी कदर नहीं की जितना आपने उन्हें चाहा, वो रिप्लाई 1% नहीं दे पाए उतना, आपने 100% अपना दिया, दिल से उनको चाहा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करते रहे, झूठ बोलते रहे, आपको हर पल हर घड़ी सिर्फ दुख और दर्द दिया है। पर अब वो चाहते हैं कि अब वो आपसे सॉरी बोलें, आपको वो सारी खुशियां दें जो आपको मिलना चाहिए थी। अब उनकी परिवार का कंट्रोल, या तो फिर कहें कि कुछ लोगों के लिए कास्ट का इशू दिख रहा है, रिलीजन डिफरेंट है ऐसा भी लग रहा है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, या तो फिर फाइनेंशियली बहुत डिफरेंस है आप दोनों के बीच। जी हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने आप हैं, उतने स्टेबल वो नहीं है, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अभी। अब से पहले तो वो इतना सीरियस थे भी नहीं, वो अभी सीरियस हुए हैं आपके लिए। पर अब वो चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बात कहें, आपको अपना बना लें। बहुत जल्द वो आपके पास आने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, विद इन 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज वो आपको कुछ ना कुछ प्रपोज़ल देने वाले हैं, कोई कमिटमेंट देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, खुश हो जाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, आपको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है, आप बहुत डीप लेवल पर उनसे जुड़ने वाले हैं। बस आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। कोई क्या कहता है, लोगों की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। दोस्तों, अब आप जिसका इंतज़ार अभी तक कर रहे थे, वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो भी आपके पास आएंगे और या कॉल या मैसेज करेंगे। फाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल में। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जो पार्टनर हैं, वो अब सारी मुश्किलें, सारे बंधन तोड़कर आपके पास आने को बेकरार हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत अट्रैक्टिव हैं वो, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको दिल से चाहते हैं। जितना प्यार आप उन्हें देते हो, उससे कहीं ज़्यादा अब उनके अंदर फीलिंग है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे वो सब कुछ कहना चाहते हैं जिसका आपको इंतज़ार है। हो सकता है आप दोनों के बीच फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, शायद बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो उन कुछ लोग मैरिड हैं और मैरिड होने की वजह से वो संकोच करते हैं दिल ही दिल में कि वो मैरिड हैं, वो आपसे कैसे कहें, या ये रिश्ता नहीं चलेगा, या तो फिर अपनी फीलिंग्स को वो छुपा कर रखना चाहते थे, या तो फिर फाइनेंशियली इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो भी उन्हें दिल ही दिल में एक डर था कि वो दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी दीवारें आप दोनों के बीच आ रही थीं। बहुत सारे ऐसे इशू थे फ्रेंड्स, जो अब वो उनको साइड करेंगे, उनको किनारे करके आपको अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे।
जी हाँ, अब उन्होंने फैसला कर लिया है कुछ भी हो जाए वो आपसे मिलकर अपने दिल की बात कहेंगे ज़रूर। अब वो सब कुछ फील करते हैं जो आप फील करते हो, जितना प्यार आप उन्हें करते हो, अनकंडीशनल लव आपने किया, दिल से प्यार किया है, दिल से उन्हें अपना बनाया है। आपने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया उनसे कुछ, आप ये नहीं चाहते थे, आपके अंदर कोई लालच नहीं था, बस आप अपनी तरफ से जो उन्हें प्यार कर रहे थे, आपने उन्हें इतना प्यार दिया कि अब वो मजबूर हो गए हैं, घुटने टेक दिए हैं उन्होंने आपके सामने। जी हाँ फ्रेंड्स, अब उनके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार का नशा चढ़ गया है। अब ये खूबसूरत सा एहसास उन्हें हो रहा है, वो चाहते हैं आपको अपना बनाएं, आपसे मिलकर अपने दिल का हाल कहें। हो सकता है एक थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, कोई उन्हें बरगला रहा था, कहें कि आपके खिलाफ भड़का रहा था, बहुत कान भरे हैं लोगों ने, या तो फिर आपसे जलते थे इसलिए उन्हें अपना बनाने के लिए, आपसे अलग करने के लिए उन्होंने, किसी और ने उनके ऊपर जादू सा चलाया था, वो आपको उनसे अलग करना चाहते थे इसलिए वो उनसे जुड़ रहे थे। वो उन्हें चाहते नहीं थे, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनका कोई दिल से कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो बहुत दिनों तक टिका ही नहीं, वो रिश्ता उनका थर्ड पार्टी इशू ख़त्म हो चुका है, वो फिर अकेले हो गए हैं। भले ही वो आपको ना बताएं ये बात, वो आपके सामने ऐसा शो नहीं करेंगे कि वो अंदर ही अंदर अब अकेले हैं, पर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब उनके जीवन में कोई तीसरा नहीं है, बस आप हो, और आपके प्यार के सहारे, आपकी यादों के सहारे वो जी रहे हैं, वो अकेले में रोना चाहते हैं। दोस्तों ऐसा बोलते हैं ना कि वो मेल है, फीमेल है या जो भी है, वो दूसरों के सामने नहीं रो सकते, अपनी फीलिंग किसी से कह नहीं पा रहे, बहुत मजबूर हैं वो, गलती उन्होंने की है, लेकिन अब वो मान नहीं सकते कि उनने गलती की है। कहते हैं ना, अरे लड़के हो तुम रो क्यों रहे हो, तो वो रो भी नहीं सकते, वो कोई अकेला कोना ढूंढते हैं, एकांत ढूंढते हैं जहाँ वो अपने आंसू बहाएं। वो ये फीलिंग आपके साथ भी नहीं शेयर कर सकते, उनका ईगो बीच में आता है, पर आपको बता दें वो दिल ही दिल में आपको बहुत चाहते हैं, सोच रहे हैं कैसे आप तक मैसेज भेजें, कैसे आपको कॉल करें, किस तरीके से आपसे बात करें, अभी ये सोच नहीं पा रहे, हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत जल्द आपके पास आएंगे और वो सारी बातें कहेंगे जिनका आपने बहुत दिनों से इंतज़ार किया है, आप डिज़र्व करते हो वो सारी खुशियाँ, वो मजबूर होकर आपके पास आएंगे अब, क्योंकि यूनिवर्स ने सारे नेगेटिविटी को दूर कर दिया, वो सारे नेगेटिव लोग जो आप दोनों को अलग कर रहे थे वो अब दूर हो गए, बहुत पॉजिटिव फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ वो आपके पास आएंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, उनके दिल और दिमाग में अब सिर्फ आप हो, और वो जो झूठा प्यार, जो झूठे वादे किसी और ने उनसे किए थे, वो सब टूट गए दोस्तों, वो वक्त के साथ सब चला गया। अब उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके सिवा और कोई नहीं है उनके जीवन में, समझ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, यही है हकीकत उनके जीवन की। दोस्तों अभी आप दोनों काफ़ी करीब आए हो, जिस तरह की पार्टनर की उन्हें इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए, वो सब उन्हें आप में नज़र आया है। जी हाँ दोस्तों, अब वो आप जैसा पार्टनर चाहते थे वैसे मिल गए हैं, और आप दोनों के बीच अब कोई और नहीं है, कोई तीसरा नहीं है, वो काफ़ी करीब हैं अब आपके, आपके दिल और दिमाग पर और उनके दिल और दिमाग पर एक दूसरे के प्यार का नशा चढ़ गया है दोस्तों, वो आपको दिल से चाहने लगे हैं और बहुत जल्द वो आपको मैरिज प्रपोज़ल देने वाले हैं। सो आपका बोलना चाहिए कि आपका अब अच्छा समय शुरू हो गया है, और वो खुद को बहुत नसीबों वाला समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो,
जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत जल्दी कोई अच्छा कमिटमेंट देने वाले हैं, खुलकर अपने प्यार का इजहार करेंगे और आपसे आपकी राय भी जानेंगे। सो आप भी उनके प्यार को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे पछताना पड़े अपने डिसीज़न को लेकर। कास्ट इशू है, एज इशू है, फिर भी अगर रिश्ता इतना अच्छा है, इतना पक्का है, तो फिर कोई डाउट अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की रीडिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सब आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए।